Guys, जब भी हम ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं हमें जो सबसे मेजर साइकोलॉजी इशू आता है वो स्टॉप लॉस प्लेस करने को लेकर ही आता है या तो अगर हम स्टॉप लॉस ना लगाएं तो लॉसेस हमारे बड़े हो जाते हैं राइट right टाइम पे इमोशनली हम कट नहीं कर पाते हैं इस तरह से फिर रिस्क मैनेजमेंट हमारा प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाता है या फिर अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो प्राइस पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है फिर हमारे फेवर में जाने लगता है इससे हमें और भी रिग्रेट वाली फीलिंग आती है सो so, अगर ये हमारी प्रॉब्लम बनी हुई है तो इस टाइप की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए इसी बारे में काफी दिनों से आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स एंड डीएम्स आ रहे थे तो इस छोटी सी वीडियो के जरिए हम ये समझने वाले हैं कि एक करेक्ट तरीका क्या होता है स्टॉप लॉस प्लेस करने का एंड साथ ही किन टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पे हमें खास ध्यान रखना चाहिए स्टॉप लॉस प्लेस करते टाइम जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं एकदम टू द पॉइंट वीडियो रहेगा तो यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आधी अधूरी बात ना सुनते हुए अच्छे से पूरी बात को समझने की कोशिश करें जिससे कि एक्चुअल बेनिफिट आप इसका ले चलिए सीधा वीडियो। सबसे पहले अगर हमें किसी भी चीज को यूज करना है तो उसका करेक्ट मतलब एंड काम पता होना चाहिए स्टॉप लॉस को बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली ही गलत समझते हैं फिर उसे यूज भी गलत तरीके से लेते हैं लोग सोचते हैं कि ये हमें लॉस से बचाता है इसीलिए इसका नाम स्टॉप लॉस है जबकि ऐसा नहीं है कहीं भी अगर हम ट्रेड ले लेंगे कुछ भी अगर हम स्टॉप लॉस सेट कर देंगे तो ये सही तरीका नहीं होता है स्टॉप लॉस यूज करने का एक्चुअल में एक ट्रेडिंग प्रोसेस किस तरह से चलता है सबसे पहले हमें एक सेटअप या फिर एक प्लान डिजाइन करना होता है वो प्लान हमारा परफॉर्म करता हुआ दिखे वैसा होता हुआ हमें नजर आए तो हमें वहां पे एंटर करना होता है अब एंटर करते टाइम हमें यह समझ में आना चाहिए कि कहां पे ये जो मैंने प्लान बनाया है कहां पे ये फेल हो सकता है तो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे एग्जैक्ट उस एरिया पे हमें वहां पे स्टॉप लॉस प्लेस करना होता है जहां पे हमारा पूरा प्लान हमें फेल होता हुआ नजर आए यानी कि जहां मैं गलत हो जाऊं मेरी साइकोलॉजी प्राइस मूवमेंट को लेकर गलत होने लगे तो उस गलती से बाहर निकलने के लिए हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है ताकि हम उस गलती में और लंबा ना बने रहें और लंबा उस गलती को होल्ड करके ना बैठे रहें और स्टॉप लॉस हिट करवा के वहां से बाहर निकल जाएं। क्योंकि जैसा हमने प्लान बनाया था जैसा जैसा हमने सोचा था प्राइस वैसा रिएक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है सो so, ये एक कंप्लीट लेजिट तरीका होता है स्टॉप लॉस प्लेस करने का जहां पे चारों पॉइंट हमारे टिक होते हुए नजर आने चाहिए सबसे पहले तो हमें एक प्लान या फिर सेटअप डिजाइन करना है उस प्लान के परफॉर्म होने का या फिर रिएक्ट करने का वेट करना है देन वहां पे हमें सही एंट्री प्लान करनी है जो भी हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री बनती है फिर जाके हमें एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस प्लेस करना है कहां पे जहां पे हमारा प्लान फेल होता हुआ नजर आए सो so, एक राइट स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए इन चारों पॉइंट्स पे हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होती है अब सबसे मेन मिस्टेक लोग यहां पे क्या करते हैं कि प्राइस को बढ़ता हुआ देखकर कहीं पर भी वो एंटर कर जाते हैं भक्ति हुई गाड़ी में कहीं पर भी चढ़ जाते हैं फिर एंटर करने के बाद कहीं पे भी स्टॉप लॉस रैंडमली प्लेस कर देते हैं तो ऐसे में तो अगर वो स्टॉप लॉस आपका हिट हो भी जाता है तो भी आप उसको स्टॉप लॉस हिट हुआ है ऐसा नहीं कह सकते ये तो ऐसा हो गया कि रैंडमली आपने कहीं पे भी एंट्री करी और रैंडमली कहीं पे भी आप एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि वो आपका एक जेन्यन स्टॉप लॉस था ही नहीं हम क्यों एंटर हुए वही हमारा क्लियर नहीं है तो कहां पे हम गलत होने लग जाएंगे प्राइस में वो भी हमें समझ में नहीं आ पाएगा सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एनी रैंडम स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस इज नॉट अ इट शुड मैच विथ योर प्लान एंड शुड बी प्लेस्ड एट द पॉइंट और एरिया वेयर योर प्लान इज गेटिंग फेल्ड इसके बाद कभी कभी क्या होता कि प्लान हमने कर लिया पर एंटर होते होते हम थोड़ा सा लेट हो गए तो लेट होने की वजह से क्या होगा हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा पर फिर भी हमें वही जेनुइन स्टॉप लॉस वही रियल स्टॉप लॉस को फॉलो करना है भले ही वो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो भी बस यहां पे लॉस लिमिट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि क्वांटिटी को अपने रिड्यूस कर सकते हैं पर स्टॉप लॉस से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है भले ही बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो बड़ा स्टॉप लॉस भी हमें मानना पड़ेगा और क्वांटिटी अगर हमारी ऑलरेडी मिनिमल रहती है कम से कम रहती है तो वहां पर हमें इस टाइप की सिचुएशन को आराम से अवॉइड कर देना है और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है अब एक्चुअल में लोग यहां पे मिस्टेक क्या करते हैं कि एंट्री लेट हो गई तो एंट्री भी कर लेंगे उसके बाद कहीं पे भी रैंडमली तीस चालीस पचास पॉइंट का स्टॉप लॉस मान के बैठ जाएंगे तो ऐसे में तो आप एक की जगह दो गलतियां कर रहे हैं एक गलती तो आपकी यह हुई कि एंट्री आपकी एक्यूरेट जगह पे नहीं हो रही दूसरी गलती आपकी क्या हो रही है कि स्टॉप लॉस आप गलत जगह पे प्लेस कर रहे हैं तो मार्केट क्या करता है कि गलती से बाय चांस एक गलती आपकी माफ कर भी देगा पर दो गलती को बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि माफ करेगा सो द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑलवेज फॉलो जेनविन स्टॉप लॉस इवन इफ इट इज बिग

वहीं पे अगर हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं आराम से एंट्री करते हैं कैंडल वगैरह क्लोज हो जाने के बाद एंट्री पॉइंट पे अगर हम अपना रिस्क कम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली स्टॉप लॉस फिर हमारा बड़ा होता हुआ जाएगा तो उस साइड पे हमारा रिस्क बढ़ता हुआ जाएगा तो एक साइड का अगर हम रिस्क रिड्यूस करते हैं तो दूसरे साइड का रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ जाता है सो तो ये कंप्लीटली पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर कि उसको एंट्री साइड का रिस्क कम रखना है या फिर स्टॉप लॉस वाली साइड का रिस्क कम रखना है और जितना अर्ली हम एंटर करते हैं उतना ही हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता हुआ जाएगा सो so, आप अपने अकॉर्डिंग सुटेबिलिटी के हिसाब से इस चीज को चूज कर सकते हैं दोनों में से अब स्पेशली जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉप लॉस लगाते टाइम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर एक्स नंबर सोच रखा होगा डेली वो सेम स्टॉप लॉस को वहां पर फॉलो कर रहे होंगे जिसको कहते हैं फिक्सड पॉइंट स्टॉप लॉस जैसे फॉर एग्जाम्पल निफ्टी फिफ्टी का अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो किसी ने सोच रखा है कि डेली उसको वहां पे 30 पॉइंट्स का प्रीमियम पे स्टॉप लॉस रखना है निफ्टी फिफ्टी में सो so, इस टाइप के जो फिक्स्ड पॉइंट स्टॉप लॉस होते हैं ये सबसे बड़ी गलती होती है ऑप्शन ट्रेडर की हो सकता है कि अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो इसमें आपकी भी गलती ना हो किसी ने आपको ऐसा बताया हो कि निफ्टी में तो 30 पॉइंट्स का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रख लो या बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रख लो बस उसमें आपका काम हो जाएगा पर ऐसे में आपके फ्रिक्वेंटली स्टॉप लॉस सेट होने के चांसेस बने रहते हैं ये तरीका गलत क्यों है विद प्रॉपर रीजन एंड जस्टिफिकेशन में आपको अभी समझाने वाला हूं और इसकी जगह हमें क्या फॉलो करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे ध्यान से सारे पॉइंट्स को सुनते जाओ

वीकली एक्सपायरी की अगर हम बात करते हैं तो चाहे हम कॉल ऑप्शन की बात करें लेफ्ट साइड पे कॉल ऑप्शन है राइट right साइड पे पुट ऑप्शन है तो इसकी एक्सपायरी अभी थोड़ा दूर है तो ये हमें 400 से 500 की रेंज में देखने को मिल रहे हैं और यहीं पे ये एक्सपायरी अगर हमें पास आती हुई नजर आएगी तो इसका प्राइस भी गिरना चालू होगा जहां पर हो सकता है एक्सपायरी डे पे ये हमें डेढ़ सौ के आसपास देखने को मिल रहा हो तो अगर दो सौ रुपए का प्राइस चल रहा है और वहां पे हम मान लेते हैं कि पचास रुपये का फिक्स स्टॉप लॉस हमने सोच रखा है बैंक निफ्टी में तो दो सौ रुपए का प्रीमियम चल रहा है और वहां पे पचास पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो ये तो फिर भी एक जेनुअन स्टॉप लॉस हो जाता है या हल्का सा ज्यादा हम कह सकते हैं पर अगर पांच सौ रुपए का प्रीमियम चल रहा है या चार सौ रुपए का प्रीमियम चल रहा है और वहां पर हम पचास रुपए का स्टॉप लॉस सोच रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है जो कि सिर्फ दस परसेंट हमें देखने को मिल रहा है तो बहुत छोटा अगर हम स्टॉप लॉस रख देंगे तो वहां पे फ्रीक्वेंटली उसके हिट होने के चांसेस बने रहते हैं सो तो ये तो हो गया पहला जस्टिफिकेशन पॉइंट अब दूसरा जस्टिफिकेशन ये हो जाता है कि अगर मार्केट में वॉल्टिटी ज्यादा चल रही है तो वहां पे बड़े बड़े मूव्स होते हुए हमें नजर आ रहे होंगे तो उस टाइम पे अगर हम छोटा स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं तो हाई चांसेस हो जाते हैं कि बार बार मार्केट हमारे स्टॉप लॉस हंट करेगा वहीं पे अगर मार्केट की वॉल्टिटी हमें कम देखने को मिल रही है मार्केट छोटे रेंज में काम कर रहा है इंट्राडे में ज्यादा बड़े मूव हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं तो वहां पर हम छोटा स्टॉप लॉस रख के बैठ सकते हैं ये हो जाता है सेकंड जस्टिफिकेशन पॉइंट अब ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है वॉलिटिटी वगैरह से क्या डिफरेंस हो जाता है वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले नहीं है क्योंकि यहां पे मेन टॉपिक हमारा क्या है स्टॉप लॉस हमें कैसे प्लेस करना है तो आप वॉलिटिटी के बारे में समझना चाहते हैं तो दो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ रखी है उसको चेकआउट कर सकते हैं जहां पर एक वीडियो थी इंप्लाइड वॉलिटिटी के ऊपर और एक वीडियो थी इंडिया विक्स के ऊपर So, क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि एक point, को लेके हम नहीं चल सकते है कि जैसा हमने इनिशियली डिस्कस करा कि जो भी हमारा एक प्लान बन रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग हम एंट्री लेके और जहां पे वो प्लान फेल होता हुआ नजर आए वहां पे हम स्टॉपलॉस प्लेस कर सकते हैं या फिर अगर इस तरीके को हम फॉलो नहीं करना चाहते तो सेकंड बेस्ट अप्रोच ये हो जाती है

अभी करंटली आप में से कितने सारे लोग इस टाइप की फिक्स्ड पॉइंट स्टॉपलॉस वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना और पास्ट में कितने लोगों ने इस टाइप की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके छोड़ दिया है वो भी कमेंट करके जरूर बताना एंड क्या आपका एक्सपीरियंस रहा जैसा आपको पता है मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग करना ज्यादा पसंद करता हूँ और ऑप्शन बाइंग में काफी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन बना रहता है कि क्या हमें इंडेक्स के चार्ट को फॉलो करना चाहिए स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह के लिए या फिर हमें प्रीमियम के चार्ट को फॉलो करना चाहिए तो मैं पर्सनली दोनों को साइड बाय साइड फॉलो करता हुआ चलता हूं ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियोज में बता रखी है दोनों को साइड बाय साइड देखने के पीछे का मेरा सिंपल सा मोटिव यह रहता है कि जो मेन इंडेक्स वाला चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान डिसाइड करता हूं अपना डायरेक्शन डिसाइड करता हूं और जो ये प्रीमियम वाला चार्ट होता है इसके अकॉर्डिंग मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह सेट करता हूं कितनी क्वांटिटी वगैरह मुझे मैनेज करनी है वो सब मैं इसके अकॉर्डिंग सेट करता हूं यानी पूरा मेरा रिस्क मैनेजमेंट डिपेंड रहता है ऑप्शन के चार्ट पे और पूरा मेरा प्लान डिपेंड रहता है इंडेक्स के चार्ट पे अब जो भी सारे पॉइंटर्स को जो भी सारे बात को फॉलो करते हुए मैं अपने स्टॉप लॉस प्लेस करता हूं उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे कुछ एग्जांपल शो करने वाला हूं एग्जांपल वो रहने वाले हैं जो मैंने सारी रिसेंट ट्रेड ली हैं उनमें किस तरह से मैंने ट्रेड एंटर करा है और कहां पे मेरा स्टॉप लॉस प्लेस था वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट पिछले एक दो दिनों की ही जो मैंने ट्रेड ली है उनको हम डिस्कस करने वाले सबसे पहले जो एकदम रिसेंट लास्ट डे था फ्राइडे का उसमें मैंने यहाँ पे ग्यारह सत्ताईस बजे के आसपास यहाँ पे एक ट्रेड ली थी जहां पर फोर्टी सिक्स नाइन हंड्रेड का सी आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे इस लेवल के आसपास हम चल रहे थे तो यहां पे मैंने पर्सनली ट्रेड प्लान बनाया था और इसके अकॉर्डिंग यहां पे मैंने एंट्री करी थी स्टॉप लॉस जो मैंने इसमें मान के रखा था वो यहां पे फोर फोर्टी से लेकर फोर ट्वेंटी के रेंज में मान के रखा था जहां पर सारी कैंडल्स का लो हमें देखने को मिल रहा है इस लेवल के आसपास लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं मन से एग्जाम्पल्स के यहाँ पे बता रहा हूँ इसलिए ट्रेड बुक भी अपनी मैं यहां पे आपके सामने शो कर दूंगा जिसमें आपको टाइम और किस प्राइस पे मैंने एंट्री करी थी वो यहां पे दिख जाएगा तो उसमें ग्यारह सत्ताईस के आसपास मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी इस कैंडल के आसपास जहां पे इस लेवल के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था मैं पर्सनली कभी भी सिस्टम में डाल के स्टॉप लॉस नहीं रखता हूं एक एरिया पकड़ के चलता हूं कि इस एरिया के आसपास प्राइस आने लगेगा तब मेरे को यहां पे एग्जिट करना है तो यहां पे एंट्री करते टाइम ये मेरा वो एरिया था तो ऐसा हम मान सकते हैं कि चालीस से लेकर साठ पॉइंट के आसपास का मेरा जनरली स्टॉप लॉस बनता अगर इस एरिया के आसपास में कट डाउन करता तो पर उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा दिन मार्केट ऊपर की साइड में अच्छा मूव करता रहा और एक बार भी स्टॉप लॉस के पास तक भी नहीं आया जबकि इंडेक्स के मेन चार्ट में आपको एक ट्रैप होता है उसके बाद यहां पे वापस से प्राइस ऊपर निकल गया और उसके बाद की कहानी आपको याद ही है कि फ्राइडे को कितना बड़ा मूव हमें अपसाइड पे देखने को मिला यह सारा आप मोमेंटम चेकआउट कर सकते हैं वन मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने दोनों चार्ट ओपन कर रखे हैं जिससे कि एक एक कैंडल आपको समझ में आ सके सो so, यही फायदा रहता है इंडेक्स के साथ साथ प्रीमियम के चार्ट को देखने का अगर सिर्फ मैं इंडेक्स का चार्ट देख रहा होता तो वहां पे मैं लॉस लेके एग्जिट कर गया होता पर यहां पे मैंने फिर भी होल्ड करके रखा ट्रेड को क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस तो छोड़ो स्टॉप लॉस तो मेरा बहुत नीचे था यहाँ पे स्टॉप लॉस छोड़ो जहां पर मैंने एंटर किया था यहाँ पे ग्यारह सत्ताईस के आसपास उसी के आसपास प्राइस आया था और वापस से यहाँ पे शूटअप हो गया ये शो करने के पीछे का आपको सिंपल सा रीजन ये है कि स्टॉप लॉस अगर हम सही से प्लेस करते हैं तो अननेसेसरी जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं जैसे मार्केट ट्रैप करके वापस ऊपर भग जाता है हमें वो हमें कम देखने को मिलता है अगर हम सही स्टॉप लॉस राइट स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं तो अब इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम चलते हैं एक दिन पहले का ये चार्ट है थर्सडे की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अट्ठारह अप्रैल की लास्ट जो एग्जाम्पल हमने देखा वो फ्राइडे का था यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रेड बुक आपके सामने शो हो रही होगी 1246 के आसपास एक्जेक्टली इस वाली कैंडल पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी और स्टॉप लॉस मेरा एक्जैक्टली exactly इसके नीचे यहाँ पे प्लेस कर रखा था 220 के आसपास यानी 220 के आसपास प्राइस आता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा ऐसा सोच के मैंने रख रखा था और इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये यह जो रेड वाली कैंडल बनने लगी वन मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है ये फोर्टी का ये पीई है ये वाली जो कैंडल बनने लगी इस पर मैंने यहाँ पे पर्सनली प्लान किया था एंटर करने का पुट साइड पे उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स के चार्ट में हमें फिर भी यहां पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि मान लेते हैं स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया या कोई अगर यहां पे बैठा होता तो इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता या वो एग्जिट करके चला जाता पर जो प्रीमियम का चार्ट है आप उसमें देख सकते हैं प्राइस इसके आसपास तक भी नहीं आया है टू प्राइस के आसपास मैंने एक्जेक्टली exactly एंटर किया था टू के आसपास जरा सा मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था एकदम यू मान सकते हैं बीस तीस पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा था अगर थोड़ा बहुत स्लिपेज वगैरह भी मिलता तो चालीस पॉइंट के आसपास लग जाते मैक्सिमम पर अगर सिर्फ मैं इंडेक्स को फॉलो करता और इस चार्ट को ना देखता तो मैं यहां कहीं पे निकल गया होता अगर इंडेक्स को चार्ट को फॉलो करता तो इसलिए हमें साइड बाय साइड प्रीमियम का चार्ट भी देखना होता है यहां पे उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस एकदम शूट अप हो चुका था थर्सडे का दिन आपको याद होगा किस तरह की यहाँ पे मैसिव सेलिंग हमें देखने को मिली थी एक एक मिनट की कैंडल है आप इस तरह के चेकआउट कर सकते हैं एंटर करने के बाद एक बार भी प्राइस स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं आया और पूरा दिन ऊपर शूट अप होता रहा कहीं पे भी मैंने एग्जिट करा हो मान लेते हैं यहीं पे मैंने ये कैंडल बनते बनते ही एग्जिट कर दिया हो तो भी मेरे को कहीं भी पूरा दिन स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर नहीं आया है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस रहती है राइट स्टॉप लॉस को राइट right तरीके से फॉलो करने की सिर्फ स्टॉप लॉस कहीं पे भी जैसे यहाँ पे भक्ति भक्ति ट्रेन में मैं एंटर कर रहा हूँ और कहीं पे भी यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया तो ये कोई जेनवइन स्टॉप लॉस नहीं होता है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 250 के आसपास ब्रेकआउट होने लगा मैं कहीं पे भी यहाँ पे 260 270 के आसपास एंटर हो गया और कहीं पर भी मैंने बीच में यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया बीस तीस पॉइंट नीचे तो इस तरह से स्टॉप लॉस नहीं बनता है और ये हमें मान के चलना होगा प्रीमियम के अकॉर्डिंग हमारे स्टॉप लॉस डिसाइड होते हैं किसी दिन 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस में काम चल जाएगा और किसी दिन हो सकता है 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस में भी काम ना चले सो राइट नॉलेज और राइट right डायरेक्शन को फॉलो करने की कोशिश करें जिससे कि आपके बार बार फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे या इसका ये मतलब है कि मेरे कभी स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होते बहुत स्टॉप लॉस हिट होते हैं पर यहाँ पे मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूं कि अगर जैसे लेट सपोज यहाँ पे प्राइस यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था 220 के आसपास प्राइस इसके नीचे आ जाता है यहाँ पे मान लेते मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया मैं यहां पे एग्जिट कर जाता उसके बाद अगर फिर प्राइस ऊपर जाता तो मेरे को वहां पर रिग्रेट वाली कोई भी फीलिंग नहीं आती क्योंकि मेरा प्लान था प्रॉपर मैंने एग्जीक्यूट किया प्रॉपर मैंने स्टॉप लॉस वगैरह फॉलो करा जहां पे मेरा प्लान फेल होता हुआ नजर आया वहां पे मैंने एग्जिट ले ली तो उसके बाद भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगी मार्केट की मर्जी है नीचे आके वो ऊपर चला गया तो हमारा तो प्लान फेल हो गया तो हम साइड में हो जाएंगे इस तरह का डिसिप्लिन अगर हम फॉलो करते हैं तो वहां पर हमें रिग्रेट वाली फीलिंग भी कभी नहीं आएगी

या परसेंटेज वाइज हम एक आध परसेंट डेढ़ परसेंट के आसपास का मार्जिन छोड़ के थोड़ा सा नीचे अपना सिस्टम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्पाइक वगैरह आते हैं तो उसमें हमारे फ्रिक्वेंटली स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे क्योंकि स्टॉप लॉस वगैरह के रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज आ रही थी आप लोगों की तो उसके रिलेटेड हमने बात कर ली है काफी डिटेल में अब टारगेट वगैरह मैं किस तरह से प्लेस करता हूं वो सब अभी आपको जानने में इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं स्टॉप लॉस प्लेसिंग के रिगार्डिंग मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस पॉइंट आपके साथ शेयर करे मेरा पर्सनल स्टॉप लॉस लगाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करा और किस तरह से आपको स्टॉप लॉस को यूज नहीं करना है वो सब भी हमने डिस्कस करा विद प्रॉपर साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल रीजन तो जो भी लोग मुझे डीएम्स कर रहे थे कमेंट्स कर रहे थे कि स्टॉप लॉस लगाने को लेकर हम परेशान हैं होपफुली ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स आपको जरूर मिले होंगे इस वीडियो से अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक एंड कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं कुछ आपका फीडबैक हो या फिर नेक्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग कुछ आपकी क्वेरी हो या डिमांड हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू